Hi, today I will be taking you to Lotus, which is an Indian supermarket in New Zealand. I will be showing you the price of each item in Indian rupees. So as we enter, we see all kinds of fruits. So the first one is the banana, which was around $2.99 per kg. There was variety of poha, the thin poha, the fat poha, and it was around $2.99. Store ke andar aane ke baad aisi feeling aayi thi jaise main India aa gayi hu. Wahan pe Britannia toast the, which was around $7. Then there were good day biscuit, chai patti, और वहाँ थे मेरे फेवरेट गुलाब जामुन विच वॉज अराउंड $3.49। यहाँ पे हर टाइप के प्री मिक्स पैकेट मिल जाएंगे चटनी के, बिरयानी के, $10 to $15 में। ऑल काइंड ऑफ ब्रेड वर इवन अवेलेबल, द नॉर्मल ब्रेड, द होल ग्रेन ब्रेड विच वॉज अराउंड $150। नान वॉज अबाउट $5.79। मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का ये है कि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर आप यहाँ आओगे तो, लाइक ऑल काइंड ऑफ चाय पत्ती ब्रांड्स एंड ग्रीन टी ब्रांड, मतलब आई ड्रिंक अ स्पेसिफिक ग्रीन टी ब्रांड जो मुझे लगा कि मुझे इंडिया में ही मिलेगा, तो मैं भर भर के यहाँ पे लिया। आप ये गलती मत करना, वही चीज़ें लाना जो इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट मी शो यू द वेजिटेबल्स दैट आर अवेलेबल इन न्यूजीलैंड एंड देयर प्राइसेस। So now let's start with bhindi. So the price of bhindi lady finger is $13. Phool gobi, cabbage is around $9. Nimbu lemon is around $4.49. Shimla mirch capsicum is around $6. And sabse best baat thi ki yahan pe har color ke capsicum available the, green, red, orange. Maine kabhi orange color ka capsicum nahi dekha, and yellow. Price of bengan was around $12.49 per kilo. Price of tomato was $10.49. Price of onion was around $9 per kilo. There were varieties of sweet potato which starts from $8 to $12. Adrak ginger was around $7. Lehsun thoda sasta tha, $2.49 ka. लौकी बॉटल गॉड वॉज अराउंड $15। अगली बार मम्मी लौकी बना के देगी तो चुपचाप से खा लेना। सो ये हम आ गए तुरई के पास एंड तुरई का प्राइस है $23। लोटस में आपको सारे टाइप के अचार मिल जाएंगे, मिर्ची के, लहसुन के, मिक्स्ड वाले, एंड देर आर डिफरेंट इंडियन सॉसेस ब्रांड ऑल्सो अवेलेबल हियर। ढेर सारे इंडियन मसाले, दाल मखनी, गोश, पनीर, इट वॉज़ अराउंड $2.49। और ये रहे शान के बहुत से टाइप के मसाले अराउंड $2 के, बिरयानी मसाला, टिक्का कबाब मसाला एंड मेनी मोर। आप न्यूजीलैंड आने वाले हो तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप भर के मसाले लाओ। ये गलती मैंने की थी इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप मत करना, मसाले आपको इंडियन सुपरमार्केट में मिल जाएंगे। एंड ये देखो गाइस, टाटा नमक, इंडिया का नमक। एंड लुक एट दिस गाइस, ये सारा का सारा सेक्शन सिर्फ इंडियन चिप्स चूड़ा से भरा हुआ है। नाउ आई विल बी शोइंग यू ऑल द फ्रोजन वेजिटेबल दैट आर अवेलेबल इन न्यूजीलैंड। बट उससे पहले मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ बिटवीन फ्रोजन फूड एंड प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड वो होता है जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड कलर प्रोसेस करके मिलता है, एंड ऑन दी अदर हैंड फ्रोजन फूड वो होता है जिसे फ्रीज करके रखते हैं और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम बिल्कुल नहीं होती। न्यूजीलैंड में हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसीलिए फ्रोजन फूड इज एज हेल्दी एज फ्रेश। So this entire section is about frozen vegetables. I took lady finger, it was around $2.50. Green chili is around $2.50. And trust me guys, bilkul bhi difference nahi tha taste mein. Fresh and frozen chilies taste exactly the same. Sirf difference hai to price ka. After that I took many more vegetables like methi, karela, palak, tinde. So these are tomato tins which were around $2. These are all the chapatis, parathas, vada paos, dahi bhalla, aloo tikki. You can buy Indian atta and make rotis at home, or else there is this other option as well. You can take parathas,
देर वर ऑल पराठाज अवेलेबल, अनियन पराठा, मेथी, पनीर, गोभी, ऑल काइंड ऑफ पराठाज वर अवेलेबल. प्राइस इज अराउंड $5 to $6. सो लेट्स गो टू द घी सेक्शन. यू कैन गेट मेनी काइंड ऑफ इंडियन घी अवेलेबल एंड द प्राइस इज स्टार्ट्स फ्रॉम $15 to $21. Personally like Gopala Ghee, which is an Indian company based in New Zealand. Price is $19.50. Price of rice was around $13.49 for 5 kgs. Vegetable oil was around $23 to $33. There are many Indian brands, soap and toothpaste available. This was the brand which I used in India. Dabur, which cost me around $3. I was so shocked to see ki yahan Hajmola bhi mil raha hai. And even parachute oil. I made this video for the people who are planning to come abroad. आप बिल्कुल भी प्राइस देख के मत डरना, बिकॉज आप जब जॉब करोगे तो ये सब आपके लिए अफोर्ड करना बहुत ईजी हो जाएगा. दिस वॉज द इंडियन ग्रोसरी स्टोर लोटस एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू वेस्टर्न ग्रोसरी स्टोर. माई टोटल बिल वॉज अराउंड $108. दिस ग्रोसरी शॉपिंग इज इनफ फॉर अ वीक एक्सेप्ट ऑफ मीट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Do like and subscribe to my channel. Bye everyone.